ओके आप मैनेज कैसे कर रहे हो इतने सारे ओके और आगे आकांक्षा क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? पहले तो थैंक यू लाइक मोस्ट स्टाइलिस्ट एक्टर सो यू नो जब स्टाइल को लेके कुछ होता है देन आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगता है स्टाइल इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी योर एटीट्यूड तो मुझे लग रहा है एटीट्यूड डेफिनेटली इज राइट दैट्स व्हाई आई हैव दिस अवार्ड इन माई हैंड एंड पीपल आर लाइकिंग माई पर्सनैलिटी सो थैंक यू ऑल एंड लव यू गाइज साथ ही विशाल कपूर के बारे में क्या कहना चाहोगे येस सो ही इज द डायरेक्टर फॉर दिस अवार्ड एंड थैंक यू विशाल फॉर हैविंग अस हियर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर अपने लोगों को सपोर्ट करना एंड आई एम ग्लैड दैट पिनाश यू नो टुक दिस इनिशिएटिव एंड इट्स ऑलवेज नाइस जब एक्टर्स को और सब क्रिएटर्स को हर किसी को एक रिकॉग्निशन मिलता है सो अवार्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट वन आई थिंक मेरे लिए 2023 बहुत ही अच्छे धमाके के साथ स्टार्ट हुआ एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ सॉन्ग और अमेजिंग रिस्पॉन्स पीपल लव माई एटीट्यूड एंड माई लुक इन द सॉन्ग तो काफ़ी कुछ है इस साल जो मेहनत की है लास्ट ईयर इतने सारा शूट किया है 5-5 सीरीज के लिए अभी बैठ के आराम से देखेंगे इस साल बैक टू बैक रिलीजेस बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही बट डेफिनेटली कुछ फेवरेट्स जो सबके होते हैं वो मेरे भी हैं आई थिंक प्रियंका एंड शिव आर डूइंग अमेजिंग एंड मुझे लगता है दे डेफिनेटली आर माय टॉप टू लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं लाइक आई टोल्ड यू एक दिल करता है शिव ले जाए ट्रॉफी एक दिन लगता है नो यार प्रियंका इज अमेजिंग तो मुझे डेफिनेटली आई वॉन्ट कि इन दोनों में से कोई एक ट्रॉफी लेके जाए या सारे ही बहुत बहुत अच्छे हैं स्पेशली यू नो अर्चना ने इतना कॉन्टेंट दिया है शो में एंड शी इज़ ऑलवेज हमेशा बहुत बेबाक हैं जो है बहुत बोलती हैं अच्छे से एंड MC स्टैन है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं बट आई थिंक ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा तो आई थिंक डिजर्विंग टू मुझे तो दिख रहे हैं ट्रॉफी के काफ़ी करीब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं एंड मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस बार भी लास्ट ईयर भी हमेशा मुझे वाइल्ड कार्ड का या इसका कॉल आता है इस बार भी आया था बट मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ को एक रेस को आधे में मैं जुड़ूँ उस रेस के साथ अगर आपको करना है तो day 1 से करना चाहिए बट डेफिनेटली जब सही टाइम आएगा आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट बट Obviously, ये साल वो सही टाइम नहीं था आकांक्षा क्या आप आज की ये न्यूज़ के बारे में जानती हैं राखी जी या आई एम वेरी सैड क्योंकि मैं कल शाम को ही उनको मिली थी एंड मैंने उनको देख के भी बोला मैंने उनसे पूछा आपकी मॉम कैसी है उन्होंने बोला आकांक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और काफ़ी बुझी सी लग रही थी मैंने उन्हें भी बोला आप प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें देख के मुझे लग रहा था कि वो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है उनकी मॉम की हेल्थ को लेकर एंड आई थिंक 2 घंटे बाद ही मैंने वो न्यूज़ सुनी कि शी इज़ नो मोर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं बस 2 घंटे पहले ही उनसे मिली थी एंड बट राखी बहुत स्ट्रांग है इतना कुछ चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में आई थिंक somebody as strong as Rakhi only can take it so well so just God bless her and may her soul rest in peace aunty ka bas राखी स्ट्रॉन्ग रहे मैं यही चाहती हूँ जी उनके तो सारे गाने अच्छे होते ही हैं एंड आई लव वट एवर ही डज एंड उनका एक स्वैग ही अलग है जो कोई मैच नहीं कर सकता आफ्टर ऑल किंग इज अ किंग सो मीका सिंह इज अ किंग एंड उनकी आवाज़ में वो बात है जो सबको घायल कर देती है डेफिनेटली बिकॉज एक रियलिटी शो जो स्वयंवर था वो मैंने जीता है उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि डेफिनेटली एक रियलिटी मैं कर सकती हूँ यू विल फॉर श्योर अब कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैंने वो माई टैलेंट इज अप्रिशिएटेड आई फील हैप्पी लकी एंड ब्लेस्ड आज बहुत ही अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ऑफ द ईयर
So I want to thank Panache Image Awards for the honor. If they think that I'm stylish, because मैं कुछ भी ज़्यादा efforts नहीं डालता, जो भी जिस चीज़ में comfortable होता हूँ वो पहन के आ जाता हूँ. विशाल कपूर is a great entrepreneur. I just want to thank his company Panache and everyone related to his company for the honors. ट्वेंटी थ्री में मैं तो कुछ सरप्राइज नहीं देना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ 23 मुझे सरप्राइज कर दे. सॉरी नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. नहीं. No one. Maybe. Maybe this year, yes. Maybe. कुछ भी. I mean, बहुत सारे reality shows हैं, सारे अच्छे हैं. Are you thinking for any of them? Like you want to do like just like Khatroo, Chalak, many more are there. It all depends on the kind of monies they offer. Yeah. Any projects which are we going to see? I think I just have 3 more weeks to finish the shoot of Kunli Bhagya, and after that, let's see what life and what 2023 has in store for me. Yes. All my condolences. She looks very, very hurt, and it's but obvious that you know, she's lost her mother. So I just want to offer my condolences, and I just want to pray that God, the Almighty, gives her and her family all the strength to cope up with the loss. Yes. Oh, blockbuster. I'm a huge. मैं किंग खान को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ एज ए ह्यूमन बींग, एज एन एक्टर. आज मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ से, मैं डायरेक्टली सेकेंड टाइम देखने जा रहा हूँ पठान. थैंक यू सो मच. थैंक यू. We having the 5th Panache Image Award by this evening, and it was a wonderful, full of the celebs over here, and we had a wonderful experience. We had given them the Panache Image Awards for their achievements and the way they do appreciate their work and they present towards the industry is much appreciable. We are damn happy to with them. The ड्रेस कोड वॉज लाइक टोटली बॉलीवुड. तो जितने भी ये बॉलीवुड के लिए ही है Panache Image Awards, तो उसी तरीके से सारे सेलिब्रिटीज़ काफ़ी डेक्ड अप होकर आए थे एंड वी हैड अ रॉकिंग इवनिंग. जो हमारा जो फेस ऑफ Panache हम जो हमेशा लॉन्च करते हैं, तो ये हमारा 6th ईयर था. हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को इंट्रोड्यूस किया है इस इंडस्ट्री में, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके लिए आगे की जो जर्नी हो वो काफ़ी वाइड हो, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और उन्हें काफ़ी कुछ काम मिले इस इंडस्ट्री से. येस, वी हैविंग स्वाति राउत जो हमारी मिसेस की कैटेगरी में है. शी इज़ अ कॉप. एंड देन वी हैव क्वेल जी की ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी दुबे पांगे. And like more, there are like many brand ambassadors. हम काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में से उनके ऑडिशंस रखते हैं, उनको चूज़ करते हैं, उनके टैलेंट को जज करते हैं एंड वी चेक कि इनके अंदर कितनी क्षमता है, उसको और कैसे निखारा जाए. उनको बारीकी से चूज़ करके और पॉलिश करके हम इनको लॉन्च करते हैं. Thank you so much. This look is going very much well with my brand Panache Runway, जिसका logo ही और Panache red color में है. So I have to represent my brand. हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, करते रहिए. Panache Image Awards को हमें और आगे लेकर जाना है, बट दिस इज ये जर्नी हमारी तभी होगी पूरी जब आप लोगों का साथ होगा. थैंक यू सो मच. एंड थैंक्स टू द मीडिया फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज. मी आर विशाल.
She's here. एक मैं वीजा लेता हूँ, मैं हार जाता हूँ। मैडम 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 होल्ड 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 मैडम ये कल सॉरी आफ्टर शूट इफेक्ट चलो मैडम ठीक है सर यहाँ पर Sir, can you repeat that again, like giving an number? Sir, look here. Take one more take, sir. Yeah. One more take. Action, bol do koi. The challenging face of the year goes to Twinkle Vashish, and this is much deserving. सोलो कर लो ना क्विकली श्रद्धा बाइट्स बाइट्स सोलो विजुअल ले लो हो गया आ जाओ बाइट्स के लिए कौन फोन मैम लुक एट कैमरा 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 लुक एट दिस कैमरा मैम या थैंक यू गॉड थैंक यू बालाजी थैंक यू मॉम डैड फॉर देयर ब्लेसिंग्स एंड आई एम रियली ब्लेस्ड बहुत अच्छा लग रहा है खुशी मिल रही है मोटिवेशन मिल रहा है और आई कैन नॉट वेट टू शो दिस टू माय मॉम एंड डैड उनके चेहरे पे खुशी देख रही है अपनी मेहनत का नतीजा यू नो सो आई एम वेरी हैप्पी ये अवार्ड किस लिए मिला है कुछ बताना चाहिए सो द अवार्ड इज चैलेंजिंग फेस ऑफ द ईयर I didn't know कि मतलब you know this is a different award for me ये मैंने expect तो बिल्कुल नहीं किया था but when I saw the title जो मुझे award मिल रहा है it was something new promising actor good performer but a challenging face मेरी मम्मी को पता चलना चाहिए मेरा face challenging है mom जो आप कहते हो ना मुझे बार बार बंदर लगती है मेरी छोटी सी I am not so वो है शादी अगर आपके अगर सीरियल के बारे में बात करें क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में कौन सा नया ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा सर ट्विस्ट एंड टर्न्स के बिना मेरा शो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे शादी में ट्विस्ट कोर्ट में ट्विस्ट जेल में ट्विस्ट तो हम ट्विस्ट पे ही स्टोरीज बनाते हैं ट्विस्ट बहुत सारे आने वाले हैं मेजर तो ये कि मेरा जो करण भाई है वो लौट आया है अर्जुन बन के और अभी किसी को पता नहीं है सिवाय राखी मामी के तो अब वो ट्विस्ट बहुत जल्दी खुलने वाला है जिसका पूरे जितने भी फैंस थे हमारे उनको वेट था तो वो ट्विस्ट जल्दी खुलेगा इसके अलावा आई थिंक मेरा शो नहीं होता ना तो ये आज दिन नहीं देखती मैं आई थिंक आई वॉज एन एक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम 5 years नाउ लेकिन कहते हैं ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है जो आपका टैलेंट कोई ना भी देखना चाहे ना तो इग्नोर नहीं कर सकता तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कुंडली भाग्य थी सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एकता मैम बालाजी कुंडली भाग्य एंड मॉम डैड्स ब्लेसिंग्स वेल बिग बॉस जी ने हमें लव फॉलो कर रही है लास्ट 2 वीक रह चुका है 5 कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं मेनी ऑफ कंटेस्टेंट्स बिग बॉस मैंने एक्चुअली कुछ टाइम के लिए फॉलो किया था एंड वेरी ऑनेस्टली आई लाइक अब्दू द मोस्ट बहुत प्यारा लगा था मुझे वो एंड उसके बाद जो लोगों ने टॉक्सिसिटी फैलाई है ना शो में आई कुड नॉट मेरे अपने सीरियल में इतने ड्रामे होते हैं बिग बॉस का ड्रामा सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट अब्दू का जब हुआ था मतलब व्हेन ही वॉज एलिमिनेटेड आई डिड फील बैड ही वॉज माई फेवरेट और बहुत प्यारे थे वो सो आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड वॉचिंग सो नो कमेंट्स ऑन दैट कैन वी सी यू इन एनी ऑफ द रियलिटी शो बुला लो बिग बॉस वालों बहुत बट या आई होप सो आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड दैट इज समथिंग ऑन माई बकेट लिस्ट कि मुझे वो करना है अगर वो होता है तो बहुत ही अच्छा और इसके अलावा मैं इतना बोलूँगी प्रे फॉर मी यार हो जाए यू माइट सी मी डूइंग मोर नौटंकी फॉर रियल सो लेट्स सी थैंक यू सो मच चल मैं वन फॉर मैम 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 विजुअल्स प्लीज एक सेकंड हो गया
क्या रेडी तो उनको बुलाओ तो ठीक है अवार्ड देते हुए बीजू चाहिए बोलो चलो बैठ लो रोलिंग What you would like to say for today's award? I feel so blessed that people keep calling and giving some of the other awards, and I think they find me, significant and relevant for those awards. As it is for most sensational actress of the year, I think Tooz Akmal is doing wonders, and people are loving me there. Actually, you are looking so pretty. Tell us something about your look. It feels like we are seeing something in a fairy tale. Oh, thank you. I think I just chose this color metallic thing, and all the credit goes to my team. Actually, they do actually a lot of hard work, and they team up everything, and I just wear it. Well, 23 भी start हो चुका है क्या कुछ नए projects आपके देखने मिलेंगे सभी को? Oh yes yes एक short film है जो मैं एक आधा दिन में करने वाली हूँ shoot so that's there and other things सभी होंगी release होंगी तो आपको पता चल जाएगा. Are you following Bigg Boss 16? No. Well 2 weeks are been remaining. Is it? Yeah and 5 contestants are there. Whom do you think can be the winner, the strongest contestant? Oh I don't know यार I actually don't know but all the best to everyone who is playing good. इतने तक आप लोग पहुंचे हैं तो बहुत अच्छा ही आप लोगों ने किया होगा. आपको एक कंटेस्टेंट जिसका गेम आपको बहुत पसंद आया होगा. I have not seen. I'm really sorry for this. Well साथ ही आज एक बहुत ही जल्दी खबर आई है राखी. Do you know राखी सावंत? What you would like to say? Yeah, we were there. अफसाना की शादी पे हम सब साथ में ही थे. We were dancing, having fun together. But मैंने उनको रात को फ़ोन किया था एंड फील सैड यार. बहुत ही दुख होता है जब ऐसी खबर होती है एंड आई वॉन्ट हर टू स्टे स्ट्रांग. शी इज़ अ स्ट्रांग गर्ल वी ऑल नो एंड जस्ट वॉन्ट हर टू बी स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर फॉर एवर. क्या हम आपको कोई रियलिटी शो में देख सकते हैं? क्या आप करना पसंद करती हैं? आई डोंट नो. मैं बिग बॉस भी नहीं करना चाहती थी बट मैंने कर लिया. बट आई डोंट नो राइट नाउ हाउ द लाइफ फ्लोज यू नो दैट्स द बेटर वे. आई थिंक एज ऑफ नाउ आई कांट से एनीथिंग. लास्टली मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स. थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज लविंग मी गिविंग मी ऑल दीज अवार्ड्स. दीज ऑल द अवार्ड्स आर फॉर यू गाइस. थैंक यू. बहुत पास. What you would like to say about today's award as well as what you all do? Something very different. Thank you so much. तो मेरे को बेस्ट सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट का अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगना ही था आज के ओनली. बट थैंक टू विशाल कपूर फॉर दिस ब्यूटीफुल अवार्ड. रिसीविंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 or 4 years ऑफ स्ट्रगल. या फीलिंग गुड्स ऑफकोर्स इट्स अ नाइस अवार्ड. मे द बेस्ट ऑलवेज विन. सो या आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया था पार्टिसिपेट एंड ऑफकोर्स द विनर वी कैनॉट फॉरगेट द फेस ऑफ पनाश. न्यू एडिशन फॉर 2023 तो वी आर कमिंग विद. चलो मैं अनाउंस करता हूँ. सो आई हैव साइन 50 सॉन्ग्स फॉर द ईयर. सो वी आर डूइंग 50 सॉन्ग्स एवरी मंथ. वी बी डूइंग 5 सॉन्ग्स. वन इज ऑलरेडी डन. वी हैव डन विद निशांत मलकानी एंड इशिता एंड मैनी मोर्स टू कम. तो आपको देखने को मिलेगा कुछ रियलिटी शोज भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. या 2023 फिलहाल तो बिग बॉस चल रहा है तो गौतम एक बार फिर एंटर हो रहा है जस्ट फॉर द ग्रैंड फिनाले. तो उनको फिर से स्टाइल करने वाले हैं. या गौतम हैव ऑलरेडी वेयर माई क्लॉथ इन द एंटायर सीजन. नाउ एट द एंड ऑफ द ऑफकोर्स एंड ही विल गोना एंटर अगेन. ही विल बी वेयरिंग ऑफकोर्स माई क्लॉथ ओनली. तो या लास्टली एनी मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स. ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसे ही कम करते रहिए. अच्छा लगता है यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक मिनट. Thank you.
है।